उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दंगल से पहले राज्य में गन्ना किसानों के मुद्दे पर अब सियासत शुरू हो गई है। दरअसल हरीश रावत ने इकबालपुर चीनी मिल पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समेत किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने इकबालपुर चीनी मिल का भी घेराव किया। साथ ही हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान की मांग की है। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा के राज में किसान नौजवान सब परेशान हैं। सरकार ने ना तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया है और ना ही किसानों के गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। हरीश रावत का आरोप है कि केंद्र और राज्य से हुई सोई हुई सरकार है। सरकार को जगाने और किसानों को हक दिलाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी भी सरकार नहीं जागी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। वहीं भाजपा का आरोप है कि हरीश रावत को किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। हरीश रावत सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और इसी पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दंगल से पहले राज्य में गन्ना किसानों के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल हरीश रावत ने इकबालपुर चीनी मिल पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। बकाया गन्ना मूल्य भुगतान समेत किसानों के विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने इकबालपुर चीनी मिल का भी घेराव किया। साथ ही हरीश रावत ने 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर सरकार से जल्द किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान की मांग की। हरीश रावत का कहना है कि भाजपा के राज में किसान नौजवान सब परेशान हैं। सरकार ने ना तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया और ना ही किसानों के गन्ने का भुगतान किया जा रहा है। हरीश रावत का आरोप है कि केंद्र और राज्य सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने और किसानों को हक दिलाने के लिए उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है। अभी भी सरकार नहीं जागी तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा। गन्ने का जो बकाया है पैसा चीनी मिल के ऊपर, वो एक बड़ी राज्य की समस्या है, बड़ी चुनौती है। 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा है और यदि 1-2 साल यही स्थिति और बनी रही तो फिर इस चीनी मिल का चलना असंभव हो जाएगा और किसान का पैसा बहुत खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आज चेतावनी देने के लिए हमने ये यहाँ पर 24 घंटे का धरना रखा है और हमने सुझाव भी दिए हैं। हमने अकेले कोई सवाल समस्या नहीं उठाई है, हमने कहा है कि कुछ सॉफ्ट लोन दीजिए आप चीनी मिल मालिक को, ताकि वो सीधे किसानों के खाते में जा सके। जो यहाँ पर फ्लाईओवर बना है, उस फ्लाईओवर का जो पैसा है, फ्लाईओवर का जो भी मिलेगा ज़मीन का मुआवजा, वो मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जाए। एक तरफ जहां हरीश रावत किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, तो साथ ही किसानों की मांगों को लेकर हरीश रावत पूरे 24 घंटे तक धरने पर बैठे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मच्छरदानी में रात गुजारी, साथ ही सरकार से जल्द गन्ना किसानों को बकाया भुगतान की सरकार से मांग की है। वहीं भाजपा का आरोप है कि हरीश रावत को किसानों की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। हरीश रावत सिर्फ चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी ने हरीश रावत से अपने शासनकाल में किसानों के हित के लिए गहन फैसलों को बताने की भी मांग की है। देखिए, हरीश रावत जी का किसानों से और गन्ना किसानों से कोई लेना देना नहीं है। हरीश रावत जी को जवाब देना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कितना फैसले किसानों के लिए लिए और कितने फैसले उत्तराखंड के एग्रीकल्चर के लिए लिए। हरीश रावत जी केवल और केवल अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो तैयारी कर रहे हैं, दो भाइयों के बीच, दो कांग्रेसियों के बीच की लड़ाई आज हरिद्वार के अंदर देखी जा रही है। तो उस लड़ाई को डाइवर्ट करना है, उस लड़ाई को हटाना है, इस प्रकार की काम करते रहना है, तो हरीश रावत इस प्रकार के काम करते रहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मुख्य विपक्षी दल होने के नाते और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनको प्रदेश की पीड़ा है और वो साफ उनकी सोशल मीडिया पे पोस्ट से भी जाहिर होता है और उनके क्रियाकलापों से, उनकी गतिविधियों से भी जाहिर होता है। ऐसे में एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर उन्होंने 24 घंटे का जो धरना दिया है, उससे निश्चित तौर पर इस सरकार की चूलें हिलेंगी, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। कुल मिलाकर राज्य में गन्ना किसानों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सवाल ये है कि एक तरफ तो हम जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, लेकिन धरातल पर ना जवान खुश हैं और ना ही किसान। ऐसे में क्या ये नारे हवा हवाई हैं? क्या हरीश रावत किसानों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रहे हैं? क्या हरीश रावत के धरने से गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान होगा?
देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। और आज इस मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत, जिसके लिए मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा। फिलहाल आपका परिचय कराते हैं। अभी हमारे साथ में संगीता शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत। आगे और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे, उन्हें भी अपनी चर्चा में जोड़ेंगे। शुरुआत हम संगीता शर्मा जी से ही कर लेते हैं। संगीता जी, आप देख रही हैं आपकी सरकार भले ही पहाड़ पर ना हो, लेकिन लगातार क्योंकि आपने इस बार के चुनावों में जमीन तलाशी थी, हमने देखा था, आप भी अब कहीं ना कहीं आने वाले वक्त के लिए भी अपने आप को तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी, ऐसे में जो राजनीतिक सवाल हैं उनमें कहीं ना कहीं भागीदारी आपकी भी है। अभी गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, आपकी राय क्या है, आम आदमी पार्टी क्या दिख रही है? क्योंकि एक तरफ हरीश रावत हैं कि धरना दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो नाटक कर रहे हैं, आने वाले चुनाव की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। देखिए गरिमा जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जो है 2024 वो सामने है, तो हरिद्वार जो सीट है वो उत्तराखंड की हम देखें तो किसान बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से किसान बहुत ज्यादा आते हैं। और इसको देखते हुए जो हम लगातार पहले भी बयानबाजी हरक सिंह रावत और हरीश रावत जी के बीच कई बार जुबानी जंग को देखते, तो दोनों ही कांग्रेस के नेता हैं और दोनों ही लोकसभा की सीट वहां से चाहते हैं। तो ऐसे में देखिए, आज तक उत्तराखंड में सरकारें भाजपा और कांग्रेस की ही रही, तो भाजपा का ये आरोप लगाना कि कांग्रेस को कोई सरोकार नहीं रहा और कांग्रेस का ये कि भाजपा को नहीं रहा, तो दोनों ने कोई बहुत अच्छा काम उत्तराखंड के लिए नहीं किया है धरातल, जो 22 वर्षों के एक लंबे समय में होना चाहिए था। तो देखिए, ये लोकसभा की तैयारी है, इससे बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, हर नेता अपनी तैयारी कर रहा है, और वो एक आंदोलन कर रहे हैं, अभी किसानों के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है कि किसानों का साथ दे रहे हैं, और अगर ये मांग सरकार सुनती है और उनकी पूरी होती है और विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा पाने में सक्षम होती है, तो एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये सिर्फ एक लोकसभा के लिए तैयारी बनकर ना रह जाए, इसका परिणाम भी सामने आए और जो सरकार है वो चेतने का काम करे, उसको भी चेताया जा सके। और देखिए, किसानों की बात रही, हमने पहले भी आपकी डिबेट में गरिमा जी डिबेट की है, और गन्ना किसानों ने लगातार विरोध किया है कि उनका समर्थन मूल्य भी नहीं बढ़ाया गया, उनका जो बकाया पैसा था वो भी उनको नहीं दिया गया, तो किसानों की समस्या है। और जिस तरह से रिपोर्ट में भी कहा कि वाकई में जय जवान जय किसान देश का नारा है, लेकिन आज दोनों ही सरकारों से बहुत असंतुष्ट है। ठीक है, यानी सरकारों से असंतुष्टि जो है वो है कहीं ना कहीं किसानों के मन में, किसानों के हित की बात सब करते हैं लेकिन काम करता कोई नजर नहीं आता। राजेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस पार्टी की ओर से। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। राजेंद्र जी, हरीश रावत धरना पॉलिटिक्स कर रहे हैं या धरना कर रहे हैं किसानों के हित में? क्योंकि बीजेपी इसे पॉलिटिक्स कह रही है। बीजेपी अपनी गलतियों को छिपाने के लिए क्या कहेगी गरिमा जी? आप एक चीज देखिए, अभी जितने भी यहाँ पैनलिस्ट हैं, मैं नहीं जानता कि कोई कृषि के मामले में कितनी जानकारी रखता है जी। मैं CSTP जो है, कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड, उसमें मैं राज्य का किसान प्रतिनिधि 4 साल का, 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। शायद मुझसे बेहतर गन्ना किसान की पीड़ा यहाँ कोई ही जानता हो। सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये बकाया रहा क्यों? अगर भाजपा ये कह रही है कि हरीश रावत जी या कांग्रेस आज जो है गन्ना राजनीति कर रही है, तो ये बकाया रहा क्यों? ये बकाया गरिमा 2017-18, 18-19, 19-20, ये 4 सालों का बकाया है। अच्छा, इसके पहले, इसके राजेंद्र साहब, इसके पहले किसानों का बकाया नहीं होता था, या जिन बाकी के राज्यों में भी हम एक जनरल अगर बात कर लें तो पहाड़ की बात हो रही है, खैर, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कभी भुगतान बकाया नहीं किया? नहीं नहीं किया है, मैं बताता हूँ आपको। भारत सरकार ने जब UPA गवर्नमेंट आई, फर्स्ट गवर्नमेंट, तो उसने 3,000 करोड़ रुपया स्पेशल एक रिलीफ फंड दिया था शुगर मिलों को, उसमें से 600 करोड़ रुपया उत्तराखंड की निजी
और सरकारी शुगर मिलों को दिया था बकाया धनराशि देने के लिए विद अ कंडीशन, वो बिना किसी सिक्योरिटी का लोन था और उसमें सबसे पहली कंडीशन ये थी कि शुगर मिलें सिर्फ और सिर्फ गन्ना किसानों को जो उनका बकाया है उसका भुगतान करेंगी। उसके संदर्भ में मैंने सितंबर 2008 में एक FIR दर्ज कराई थी कि उसका जो पैसा है वो 130 करोड़ रुपया वो इन्होंने अपने अन्य फंड्स में लगा लिया। अब अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए 2017, 2018, 2019, 2020 का किसानों का बकाया है 108 करोड़ और किसान गरिमा कोई ब्याज नहीं मांग रहे, वो सिर्फ अपना मूलधन वापस मांग रहे और मूलधन वापस ना दिया जाए इसके लिए भाजपा कह रही है कि कांग्रेस ये नौटंकी कर रही है। इस समय गरिमा बच्चों के एडमिशन का सीजन है, कॉपी किताब की खरीद का सीजन है, इस समय उनके कपड़ों का सीजन है, ड्रेस का सीजन है, शादियों का सीजन है, इस समय किसान की अगली फसल की बुआई का सीजन है, इस समय बीमारी का सीजन है। आज की तारीख में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई आदमी बीमार ना हो। 108 करोड़ रुपया एक बहुत बड़ी रकम है। मेरे खुद एक चचेरे भाई हैं, उनके 70,000 बकाया और आज वो बीमार हैं बहुत ज्यादा और बहुत बीमारी में भी वो धरना स्थल पे है। तो सवाल ये है कि ये इन्होंने दिया क्यों नहीं, क्यों नहीं दिया? क्योंकि इनकी जो नीति है वो किसान हित की नहीं है, इनकी नीति सिर्फ मिल के हित में। ये जो शुगर मिल है इकबालपुर शुगर मिल, इसकी जो एसेट्स है उससे लाइबिलिटी 2 गुना जिससे भी ज्यादा है, 600 करोड़ रुपए के ऋण में है इस मिल। इस मिल को अगर ये इसने कर्ज अदा नहीं किया, किसानों का पैसा वापस नहीं किया और मिल बंद होगी तो इस पैसे को अदा कौन करेगा, सवाल सबसे बड़ा ये है। ठीक है, दूसरी चीज ये है गरिमा जी, जी। कि इस मिल का कुछ एरिया रेलवे के प्रोजेक्ट में वो हो गया, क्या नाम, अधिग्रहण उसका, उस अधिग्रहण का 63 करोड़ रुपया मुआवजा मिल रहा है मिल को। तो हमारी मांग ये है कि वो जो 63 करोड़ रुपया है वो किस बकाया किसानों को दे दिया जाए। इस साल का जो गन्ना है उसका बकाया नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है, उसका तो इन्होंने 30 मार्च तक का भुगतान कर दिया है, बल्कि जो हमारे यहाँ दूसरी अन्य शुगर मिल है उन्होंने 15 अप्रैल तक कर दिया। लेकिन इकबालपुर शुगर मिल अगर किसानों का पैसा दे दे और राज्य सरकार दिलवा दे तो हमें धरना करने की जरूरत क्या है? और पिछले 6 साल की सरकार में पिछले 6 साल के 3 मुख्यमंत्रियों ने और अभी पिछले 2 महीने पहले धामी सरकार बेमिसाल का जो इन्होंने नारा दिया वो ये 108 करोड़ रुपया जो बकाया किसान का, ये दावा करता है कि बेमिसाल नहीं है, ये बेमिसाल सिर्फ उद्योगपतियों के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए, किसानों के प्रति कोई दर्द। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि किसानों के हित की बात नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बातें की गई थी। हालांकि यही आरोप वो भी आपकी ही पार्टी पर लगाते हैं। प्रवक्ता बीजेपी की ओर से हमारे साथ में हनी पाठक जी भी जुड़ चुकी हैं। हनी जी, स्वागत आपका आज की हमारी चर्चा में। हनी जी, अभी आपने सुन लिया होगा कांग्रेस से महामंत्री राजेंद्र चौधरी जी कह रहे थे कि बातें बड़ी बड़ी हुई लेकिन किसानों के हित की बात नहीं हुई, किसानों के मूल्य गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि हरीश रावत ने जो धरना दिया उसको लेकर बड़ी बातें हो गई हैं। हारदा अभी कौन से समय में धरना कर रहे हैं, कौन सा चुनाव आने वाला है गरिमा जी? ये तो आप बताइए, वो तो कह रहे हैं हनी जी अब आपने मुझसे पूछा, ऑफ कोर्स लेकिन आपने पूछा ना, नहीं कंप्लीट कर दे रही हूँ। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों चुनाव आने वाले हैं और अभी राजेंद्र चौधरी जी की लास्ट मोमेंट में मैं जुड़ी हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लास्ट मोमेंट में मैंने बात सुनी है कि स्कूलों की फीस भरने का समय और चीजों का समय और भी बहुत सा समय है, बच्चों के प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हरदा जी को इस समय क्यों याद आई कि इन्हीं सब चीजों का समय है, क्योंकि उनको पता है लोकसभा चुनाव का समय है और वहीं पर हरक सिंह रावत जी भी पैठ बना रहे हैं
तो किस जगह मुझे आकर पैठ बढ़ानी है और किस जगह आकर राजनीतिक रोटी सेकनी है, कहाँ हैंड पंप पे खुले में नहाना है और कितना प्रोपोगंडा करना है, ये हरीश रावत जी को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन एक सवाल और भी बहुत जरूरी है जो कि पता होना जरूरी चाहिए इन लोगों को कि हरीश रावत जी आज तक जिस जगह से चुनाव लड़े उस जगह से सिर्फ और सिर्फ हारे हैं। दूसरी बात मैं इनको कहना चाहती हूँ, जरा आंकड़ों पर जाती हूँ। पर्वतीय जनपदों में उत्पादक जैविक गन्ना के जूस का जो विपणन है भाई साहब, वो गन्ना विकास समितियों के माध्यम से पर्वतीय जनपदों में उत्पादक जैविक गन्ने के जूस में आउटलेट खोलने एवं जूस का विक्रय कार्य किया जाएगा। ये जो परियोजना हम लोगों की निकल रही है ना, उससे उसका भी कार्य किया जाएगा और जिसमें किसानों की आय वृद्धि के फलस्वरूप उन्हें आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी और दूसरी ओर गन्ना विकास समितियों की आय में वृद्धि भी होगी। क्या इस तरह की योजना को आपके बारे में, आपको कुछ इस योजना के बारे में जानकारी है? नहीं होगी, क्योंकि आपको हैंड पंप में नहलवाने में ज्यादा उत्सुकता है, दूसरी किसी और चीज में उत्सुकता नहीं है। और गरिमा जी एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, हरीश रावत जी के जो नाटक और ढकोसले रहते हैं ना, वो हमेशा एक दिन का अनशन करके, एक दिन का नाटक करके, ठीक है, आप उनके इस धरने को पॉलिटिक्स कह दीजिए, लेकिन मौका क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्योंकि अभी राजेंद्र जी ने जो बातें कही वो तथ्यों के साथ कही। हम मान लेते हैं आपकी बात कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन मौका दे रही है सरकार तभी तो उनको मिल रहा है ना। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप किसानों के हित, आप और देखिए नजरिए की बात होती है। आपने यहाँ पर पॉलिटिक्स ढूंढ ली क्योंकि आप भी एक राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर वो किसानों के हित की बात कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में भी विचार करना चाहिए। हनी जी, अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया गरिमा जी, अब दूसरा पॉइंट सुनिए। नहीं राजेंद्र जी मैं आपको जोड़ूंगी, अभी उनको सुन लेते हैं। अभी अब आप पॉइंट सुनिए ना, पॉइंट सुनने के बाद जवाब दीजिएगा। पेराई सत्र 2021 से 2022 में गन्ना उपलब्धता के सापेक्ष में कितना हुआ था राजेंद्र भंडारी जी? उसमें 60% गन्ना की आपूर्ति चीनी मिलों को दी गई थी और जिसमें आगामी पेराई सत्र 2022-2023 में कुल उपलब्धता के सापेक्ष में 60% से अधिक गन्ना आपूर्ति कराने का लक्ष्य किया गया था और जो कि पूरा किया गया। तीसरा पॉइंट सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गन्ना कृषकों के गन्ना मूल भुगतान की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा पेराई सत्र 2021 से 2022 के अवशेष गन्ना मूल भुगतान कितने थे जरा बताइए? ₹222.96 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है गरीब। लेकिन ठीक है, आंकड़े राजेंद्र जी ने भी मुझे बहुत सारे गिनाए हैं, आंकड़े आप भी गिना रही हैं, आप अपनी उपलब्धियां बता रही हैं, वो अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सरकारें सभी काम कर रही हैं, आप बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर किसान के सामने समस्या है ना, किसान का गन्ना भुगतान बकाया रहा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं रहा, आप इस बात से इनकार कर सकती हैं हनी जी? गरिमा जी, कौन से किसान है वहां पर बैठे हुए, कौन से किसान है वहां पर बैठे हुए? अभी चैनल के माध्यम से आपके राजेंद्र चौधरी जी ने क्या बात कही कि मेरे एक जानकार भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो वो भी कहा जा सकता है वो प्लांट किए हुए हैं। दूसरी बात कही जा रही है, अब मेरी तरफ से और सुनिए, अभी जैसे आंकड़े ये बताए हैं, आंकड़े मैंने भी बताए हैं, विपक्ष के पास कौन से आंकड़े होते हैं जरा मुझे बताइए? सरकार जो चलाते हैं, सरकार के आंकड़े आरटीआई में डालिए, सूचना के अधिकार है आपके पास, उसमें डाल के निकालिए। अगर सरकार के आंकड़े गलत हैं तो वो जनता के सामने दिखाइए, आंकड़ों के साथ मुझसे बात करिए, पूरा होमवर्क करके आइए कि हनी जी आपने जो ये 222.96 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त कराने की बात कही है, मैंने सूचना के अधिकार के द्वारा निकाला है और ये गलत है जो आपने निकाल के बताई है। दूसरा सुनिए, चीनी मिल के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो राज्य सरकार द्वारा कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए 2021 से 2022 हेतु बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल को पुनः चालू कराया गया। क्या वो पुनः चालू नहीं हुआ? अगर वो पुनः चालू नहीं हुआ है तो मुझे बताएं कि सितारगंज की बंद पड़ी चीनी मिल को पुनः चालू नहीं कराया गया और चीनी मिल द्वारा 23/6/2022 को 23/6/2022 को 17.48 लाख मिली टन गन्ना की पिराई से 1.51 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया उस चीनी मिल में। तो आप बताइए, जो चीनी मिल वहां की बंद पड़ी थी सितारगंज की, उसमें इतना उत्पादन कर लिया गया, तो ये किस शुगर मिल की बात करें? एक वही एरिया उनको मिला था, किस तरीके से मिलता है वो एरिया? इधर इनकी बेटी एक तरफ कहती है कि मजारों को तोड़ना गलत है, इधर वो वहां पर उसी जगह के जगह। आप प्लान को समझने की कोशिश करिए गरिमा जी, किस एरिया में बैठे हैं,
किन लोगों को ढूंढ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर प्लानिंग को देखा जाए ना तो बहुत बड़ी प्लानिंग है। यानी कुल मिलाकर हनी जी कुल मिलाकर आप यही कहना चाहती है ना कि ये किसानों के हित की बात नहीं है बल्कि ये तो धरना पॉलिटिक्स हरदा ने शुरू कर दी है। पूरी तरीके से हरदा आज से, और हरदा नहीं हारदा है, ये जिस जगह खड़े होते हैं वहाँ हारते हैं। और दूसरी बात सुनिए, कहा से कांग्रेस, कहा से कला, भी नाम मैंने एक इनका दिया और क्यों दिया है। ठीक है और इनके करण मारा लल्ला अलग राह में, और सबके सब वीएल पुनिया को बुला लिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी अब वहाँ दूर क्यों जा रही है। बेरोजगारी संघ का धरना था, हरीश रावत अकेले बेहोश हुए थे, तब तो राजेंद्र चौधरी जी मुझे कहीं पर नजर नहीं आए, उनको कंधा देते नजर नहीं आए। आज बड़ी हरीश रावत जी के धरने की इनको याद आ रही है, और वो धरना जहां पर एक ही साथ दो दिग्गज आदमी लड़ने की खड़े हैं। कल ही हरीश रावत जी का बयान आता है कि हरा सिंह रावत ने हमारे डैमेज किया था, उस हरक सिंह रावत के डैमेज की बात करते हैं उस समय जब लोकसभा चुनाव। ठीक है मैं आपके पास से आती हूँ राजेंद्र जी, मैं आपके पास से आती हूँ। ठीक है हनी जी, हम जवाब ले लेते हैं इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या कहना। देखिए आपने अपनी बात पूरी कर ली, हालांकि अरुण शर्मा जी हैं, मैं उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन इसके बाद अरुण जी आपके पास आती हूँ, माफ कीजिएगा। अभी राजेंद्र चौधरी जी से जवाब लेते हैं कि आखिर हनी जी के जवाब सवाल पर वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स है साफ तौर पर। और राजेंद्र जी वैसे बात ठीक है, इसमें अगर हम उनकी बात भी सुने तो आप कह रहे हैं कि हम तो किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त आपने बिल्कुल, कहते हैं राजनीति में टाइमिंग बहुत मैटर करती है, और आप पर तो राजनीति करने का ही आरोप लग रहा है, और ऐसे में टाइमिंग के साथ ही आपका क्लैश हो गया। तो आप बताइए कि आखिर ये धरना है, पहले वाला सवाल ही दोहराना पड़ रहा है, या धरना पॉलिटिक्स है? नहीं नहीं गरिमा जी, दरअसल ये जो हमारी बहन है हनी, इन्हें गंदे की तो कौखागा भी नहीं पता है। ये बकाया मैडम 2017, 2018, 2019 और 2020 का है। 21 गरिमा जी का ये सूचना के अधिकार से लेकर मेरे पास आंकड़े के साथ आए, होमवर्क करके बैठा करें। आपको तो ये नहीं पता कि गन्ना रबी की फसल है या खरीफ की है, ना आपके मुख्यमंत्री को पता कि गेहूं का पौधा कौन सा है और जौ का कौन सा है। क्यों आपको बहुत पता है, जितनी जो है सुनी जा सके, पता है आपको, पता है। ठीक है राजेंद्र जी, अभी व्यक्तिगत बातें नहीं, राजेंद्र जी व्यक्तिगत बातें नहीं, राजेंद्र जी प्लीज की आदत पड़ी हुई है क्या व्यक्तिगत जाने की? ठीक है हनी जी उनको बोलने दीजिए, देखिए आप बोल रहे थे तो वो बीच में नहीं बोले उन्होंने, राजेंद्र हनी जी प्लीज। नहीं नहीं गरिमा जी एक मिनट सुनिए, कैसे कोई बीच में नहीं बोलेगा, कांग्रेस के प्रवक्ता है क्या, सीख के आते हैं कि मैंने उनको बोला ना कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें हनी जी, फिर आप बोल रही थी वो बीच में नहीं बोल रहे थे, जबकि वो कहना चाहते थे, उन्होंने हाथ उठाया था। प्लीज ऐसे एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात सुनने नहीं मिलेगी। नहीं प्लीज हनी जी, फिर आप बोल रही थी तो वो जब बोले तो आपने बोला ना कि लेट मी कम्प्लीट, तो उनको भी कम्प्लीट कर दीजिए ना, उसके बाद आपको जो कहना है कहिएगा। ठीक है प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी, मैं रोक रहे हैं उनको। ठीक है राजेंद्र जी आपसे हम जवाब लेंगे कि किसानों का मुद्दा जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से उठाया जा रहा है, और धरने पर तक आ गए, लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी है वो कह रही है कि हम किसानों के हित की बात कर रहे हैं, किसानों के हित के लिए हरदा धरना प्रदर्शन पर है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ धरना पॉलिटिक्स है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर गन्ना भुगतान बहाना सरकार पर निशाना। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव इनको लड़ना है, ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी पर आज विस्तार से बातचीत कर रहे हैं, कई खास मेहमानों का पैनल लगातार बना हुआ है। जल्दी से राजेंद्र जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, जवाब देना चाहते थे ब्रेक से पहले, उसके बाद हम अरुण जी के पास जाएंगे। राजेंद्र जी मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो बकाया राशि है ये कौन से साल की है मैडम? ये 2017-18 के हैं, 2,46,00,000 रुपए 2018-19 सर। राजेंद्र जी प्लीज मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। देखिए आपने अपने सवाल पूछना शुरू कर दिया, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया ना। कौन सा सवाल है? टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है ना कि भाई ये कौन सा वक्त है धरना पॉलिटिक्स आपका, धरना का आपको अचानक से किसान याद आ जाते हैं, आपको अचानक से चीजें याद आ जाती हैं, इस सब पर भी तो कहिए ना, क्योंकि आप पर पॉलिटिक्स करने का आरोप लग रहा है, आपके धरने को लोग ये नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। हाथ जोड़कर निवेदन, एरिया भी बोलिए। मैंने एरिया पर भी सवाल उठाया। ठीक है राजेंद्र जी, हरीश रावत जी ने पिछले महीने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान उनसे किसानों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। उस प्रतिनिधि मंडल ने ये गन्ना मूल्य दिलवाने की बात कही,
हरीश रावत जी ने पिछले महीने सरकार को एक पत्र लिख के माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन पे बात करके, सौरभ बहुगुणा जी से जो गन्ना मंत्री हैं उनसे फोन पे बात करके रिक्वेस्ट की थी कि आप ये बकाया धनराशि दिलवा दीजिए वरना ये मिल बंद हो जाएगी। इसी दौरान मैं पता लगा, ये जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा बताया गया कि 63 करोड़ रुपया इन्हें क्लेम का मिलने जा रहा है, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ सर कि ये पैसा किसानों को मिल जाए। ये तो एडमिशन है एडमिनिस्ट्रेशन का। दूसरी चीज क्या है कि जब इसमें कोई एक रुपया नहीं धनराशि दी गई तो भाजपा ने अपना एक जो है बी टीम को वहां, जब हरीश रावत जी ने 15 दिन पहले 9 तारीख का ऐलान कर दिया तो भाजपा की एक बी टीम जिनके यहाँ अभी पिछले दिनों जो है देश की बहुत बड़ी जो है एक्टर आई थी, उन्होंने 8 तारीख का धरना कर दिया। उन्होंने बिना मिल के, बिना सोसाइटी के, बिना जिला प्रशासन के एक फैसला कर लिया एक मैनेजर के साथ। तो हरीश रावत जी तो इसमें, और कांग्रेस, ये अकेले हरीश रावत का प्रोग्राम नहीं था, पहली बात तो मैं ये स्पष्ट करूं, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके तत्वाधान में हरीश रावत जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ। ये कार्यक्रम पूर्णतः जनहित में, और अगर आपको इसमें राजनीति लगती है तो आप उन किसानों का भुगतान करवा दीजिए, हम वापस चले जाएंगे, हम इस मुद्दे को उठाएंगे भी। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज गरिमा, गरिमा एक एक प्रश्न। हाँ, प्लीज जल्दी से अरुण जी को भी जोड़ना है। जी, मेरी बहन से है इनसे के पिछले 9 साल की सरकार में आप बताइए गन्ने का मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया। ठीक है, दूसरी चीज एक गरिमा एक सवाल प्लीज जल्दी से। 2004 से 2014 के बीच में 10 वर्षों में गन्ने का जो मूल्य है वो कितना बढ़ाया गया, और इस साल 1 रुपया गन्ने में नहीं बढ़ा, एक काना पैसा भी इस सरकार ने गन्ने के मूल्य में नहीं वृद्धि की है। आप पूछ लीजिए बढ़ाया होता। ठीक है, ठीक है, हम इस पर जवाब लेंगे हनी पाठक जी से, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। अरुण जी बहुत स्वागत आपका। राजनीतिक पार्टियों की आपस की टिप्पणियों के बीच आप तक आने में वक्त लग गया, लेकिन आपने सुना होगा इन सब की बातचीत को, सब किसानों के हित की बात करने का दावा कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए ही काम कर रहे हैं, किसानों का भुगतान नहीं चाहते देर तक रुके या बकाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं एक दूसरे पर आरोप लगाएंगी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बकाया क्योंकि वो कह रहे हैं हमने पूरा बकाया कर दिया। आप सब इस सब पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि किसान पिसता है इन सबके बीच कहीं ना कहीं, या फिर जो बात सामने आ रही है कि टाइमिंग को लेकर, ये कौन सा टाइम है धरना देने का, क्या चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हरदा? गरिमा, ये तो बिल्कुल एक तय सी बात है कि हरीश रावत बहुत मजे में पॉलिटिशियन है और उनको पता होता है कि कब उनको खबरों में बने रहना है और किस तरह बने रहना है ना। वो कहीं समोसे खाना, कहीं जलेबी खाना है ना, कहीं झाड़ू हाथ में लेके चल देना, और अब ये जो मच्छरदानी में सोना और हैंडपंप में नहाना, और चूंकि हम लोग खबर नवीस हैं तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं जिस चीज की न्यूज वैल्यू है, पब्लिक जिसे देखना पसंद करती है उसको हम जनता को परोसे, और सारे समाचार माध्यमों ने यही काम किया, क्योंकि हरीश रावत कांग्रेस का एक बड़ा नेता तो है ही, वो भले ही भाजपा की प्रवक्ता उन्हें हारदा कहे, लेकिन मैडम आप भूल रही हैं कि उन्होंने 3 बार आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अल्मोड़ा से भागने के मजबूर भी किया था, और तब हरीश रावत नौजवान होते थे, 3 लोकसभा चुनाव अल्मोड़ा से लगातार जीते थे, और दिग्गज भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को इलाहाबाद जाने पे मजबूर कर दिया था, यह आपको भी पता है। तो उनकी, देखिए, उनकी क्वालिटी और टाइमिंग बिल्कुल सटीक होती है चाहे कहीं भी हो। ये अलग बात है कि आज हरीश रावत कांग्रेस के बीच में ही अछूत जैसे हो गए हैं, और तमाम धड़ों में जो बटी हुई कांग्रेस है बिल्कुल उसने हरीश रावत को अलग थलग डाल दिया है, क्योंकि अगर आप 16 की देखें जो कांग्रेस में एक विद्रोह हुआ था और 9 MLA ने फ्लोर के बीच में ही हरीश रावत के से समर्थन वापस लेकर
भाजपा की बस में सवार होकर राजभवन चले गए। अगर आपको वो टाइमिंग याद हो, अगर उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था उत्तराखंड में पहली बार, वो याद हो, उसके बाद हरीश रावत पानी पी पी कर उन लोगों का कोसते रहे, सोलह के गद्दार वो याद हो, और उसके बाद 17 का चुनाव हरीश रावत उन्हीं विद्रोही एमएलओ के बूते हार गए थे, क्योंकि वो ताकत भाजपा की बढ़ गई उनके आने से, वोटरों की ताकत बढ़ गई, वोटरों की संख्या बढ़ गई, तो भाजपा ने बहुत बड़े पैमाने पर क्लीन स्वीप किया, जैसा कि सारे लोग जानते हैं। और लेकिन अरुण जी कहीं ऐसा तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि देखिए हरदा बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, बहुत वरिष्ठ भी हो गए हैं राजनीति में, तो ऐसे में उनको पता है कि किस वक्त पर क्या कहना है, कब सुर्खियों में बने रहना है, लेकिन कहीं कांग्रेस में ही उनका कद जो है वो कम तो नहीं हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि अब उनको हल्के में ले लेते हैं लोग, या जो भी वो करते हैं वो चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह के चलते उनके लए समस्या बन जाती है। गरिमा, मैं उसी पे आ रहा था कि अगर 17 के बाद 22 का आप विधानसभा चुनाव देखें, लोकसभा की बात तो हम छोड़ दें, अभी हम नहीं कर रहे हैं, अगर आप 22 का चुनाव देखें तो 22 के चुनाव से पहले केवल हरीश रावत एक वजह थे जिसकी वजह से भाजपा दोबारा सत्ता में आई। ये हमारा तमाम जो मीडिया कर्मी है और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनका आकलन है, क्योंकि अगर हरीश रावत अंतिम समय तक सीटों के बंटवारे पर उलझाए न रखते पूरी पार्टी को, तो शायद कांग्रेस पार्टी कहीं 22 में सत्ता में आने के बहुत नजदीक थी। लेकिन इसी वजह से क्या हुआ कि जनता के बीच में भी और कांग्रेस के अंदर भी हरीश रावत की विश्वसनीयता कम हुई है, क्योंकि लगातार चुनाव हारना, 9 का चुनाव आप जीते थे हरिद्वार से लोकसभा का, और उसके बाद आप लगातार लोकसभा का चुनाव भी हारे, विधानसभा का चुनाव भी हारे, दो दो जगह से लड़के भी हारे, और उसके बाद एक जगह से लड़े वो भी हारे, तो जब इसीलिए भाजपा की प्रवक्ता कह रही है हारदा, तो आप जब हारते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी विश्वसनीयता जनता के बीच में भी और पार्टी के बीच में भी कम होती जाएगी, एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अब उस विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए आप निरंतर नए कर्तव्य जोड़ते रहे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं वो विश्वसनीयता वापस हासिल होगी। और चूंकि नवंबर में नगर निकायों के चुनाव होने हैं, ठीक है, और उसके बाद मई में ठीक है अरुण जी, आपने बिल्कुल ठीक बातें कही हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, अगर ये बात तब हम मान लेते हैं जब हरदा के बगल में कोई खड़ा होता, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी में हरदा के बराबरी का कोई नेता मुझे नजर नहीं आता है, क्योंकि जितना लंबा अनुभव अभी आपने ही उनकी उपलब्धियां भी गिना दी हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह ही कहीं ना कहीं वजह है कि बाकी के लोग शायद हरदा जो करते हैं उसको लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीजें कमजोर पड़ जाती है, उतनी मजबूती के साथ सरकार का विरोध विपक्ष कर नहीं पाते, क्योंकि पहले आपस में ही एक नहीं हो पाते, ये चीजें कहीं ना कहीं समस्या जरूर लेकर आती हैं। आपके पास लौटेंगे अरुण जी, और अभी हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब जुड़ चुके, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं थपलियाल साहब। भंडारी जी की बात का जवाब दे दो। थपलियाल साहब आपका बहुत स्वागत है, मैम आपके पास लौटेंगे आपसे जवाब लेंगे, लेकिन और मेहमान है उनको भी जोड़ कितने रुपए क्विंटल बढ़ा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपके पास आएंगे थपलियाल साहब को भी जोड़ लेते हैं। थपलियाल साहब, अभी हरीश रावत की धरना जो है उसको धरना पॉलिटिक्स कहा जा रहा है, उन्होंने किसानों के हित के लिए जो धरना दिया, उनके बकाया भुगतान को लेकर जो धरना दिया, बीजेपी कह रही है कि ये तो धरना पॉलिटिक्स है, क्योंकि चुनाव आने को है और चुनाव से पहले एक्टिव हो गए हैं हरदा, और पूरी तरह से उनके इस धरने पर राजनीति नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। आप बताइए, क्योंकि किसानों के हित की बात ऐसा नहीं है कि बीजेपी नहीं करती या कांग्रेस नहीं करते, लेकिन किसानों के साथ असल में जो अत्याचार कहना, क्योंकि अत्याचार ही हुआ अगर उनके मूल्यों का भुगतान ना किया जाए, उन्हें इंतजार कराया जाए, तो इसे अत्याचार ही कहेंगे, क्योंकि किसान की कितनी इनकम होती है ये हम सबसे छुपी नहीं है। ऐसे में अत्याचार सबने किया, हित की भी बात सब करते हैं, सच्चा कौन है, धरना है या धरना पॉलिटिक्स है? थपलियाल साहब देखिए, धरना ही एक ऐसा हथियार है आज की तारीख में किसी भी नेता के पास, जो जन मुद्दों पे जो सत्ताधारी हैं उनको झकझोरने का काम करता है। ये दीगर बात है कि भाजपा के लिए अब ये सब गौण हो चुका है, वो एक ऐसे राजनीतिक पटरी पे चल चुके हैं जिस पटरी का कोई अंत हमें दिखाई देता नहीं है।
लेकिन जहां तक हरदा का सवाल है, हरदा ने हर ज्वलंत मुद्दे पे अपनी आवाज को बुलंद किया है, चाहे अकीदा हत्याकांड रहा हो, चाहे वो जो पहलवान आज धरने पे बैठे हुए हैं उनकी आवाज में बहुत गौरव महसूस किया। उनका ऐतिहासिक भाषण था जंतर मंत्र में, जिस दिन हरदा ने भाषण दिया, मैंने सभी ने लोगों को बोला देखो ये जो पैंट खींचने वाला, तुम अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो और लेग पुलिंग करते हो, अरे सोचो कि पहाड़ का एक नेता किस तरह से इस बात को समझा कि उसको इन पहलवानों को जो राष्ट्रीय गौरव है, वो रो रही हैं वो लड़कियां, उनके आंसू पोंछने के लिए हमारा हरदा वहां गया, हमारा सीना चौड़ा हुआ। हम ये अलग बात है कि वो किस राजनीतिक दल से हैं, लेकिन आज किसान रो रहा है, आज जो हालत आज गन्ना किसानों की है, जिस तरह से ये चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, जिनको कोई जो अपने अपने हेडक्वार्टर को आलीशान बना रहे हैं, अपने जो संसद को उजाड़ के नई संसद बना रहे हैं, हमारी अमर ज्योति को उजाड़ कर इतिहास बदलने का जो काम कर रहे हैं, जिनकी नियत कुछ अलग सकती है नए भारत बनाने की, उन लोगों से हमें इस देश को बचाना बहुत कठिन हो चुका है। मैं सलूट करता हूं, आज मैं हरिद्वार में था, मैं स्वर्गीय सुशीला बलूनी की अंतिम यात्रा में शामिल होकर आया हूं, गौरव महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे दुख हुआ कि आज कोई भी बड़ा नेता उनको अंतिम सलाम देने नहीं गया, जिस मां के बदौलत ये राज्य हमें मिला था। हम राजनीति करके यहाँ पे बड़े बड़े गाल बजाई करते हैं, लेकिन अगर हकीकत देखो तो हमारा जो दायित्व होता है उत्तराखंड के प्रति, वो शून्य होता जा रहा है। बहुत ही दुख की बात है, लेकिन हम वहां पे इकबालपुर में किस तरह से किसानों की लड़ाई हमारा हरदा लड़ा था, जिस तरह से वे इन किसानों के साथ वहां पे खड़े हैं इस धूप में और इस उम्र के पड़ाव में, वी सल्यूट हिम। और निश्चित रूप से राजनीति में जो चुनाव है वो अलग चीज है, चुनाव तो अब धन्ना सेठों का खेल हो चुका है, लोग बोलते हैं कि ये उसने धन इस नियति से कर रहा है, उस नियति से कर रहा है, लेकिन इस जो राजनीतिक खेल उत्तराखंड की धरती पर जनता को अलग थलग करके किया जा रहा है, उसके लिए केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ ही हम उन पे हमारी नजर है, वही हमें बचाएंगे। आज की राजनीति हमको निगलने पे आई है, हमारे संसाधन निगलने पे आई है, और तमाम जो लोग आज उनके पक्ष में खड़े होकर ये बोलते हैं कि हरदा ऐसा, हरदा हरदा का जीवन खप गया है इस राज्य के लिए खप, और उस व्यक्ति को क्या चाहिए इस उम्र में, क्या चाहिए उसको? लेकिन अगर आज किसानों की लड़ाई लड़ रहा है तो क्या गलत कर रहा है भाई, क्या राजनीति कर रहा है वो? मेरे को तो बड़ी शर्म आती है जो लोग बोलते हैं ये और वो, और उसने अगर दो दो जगह से चुनाव लड़ा, ये भी बड़ी बात है। आसान नहीं है कि आज मोदी को चुनौती देना, बहुत कठिन हो चुका है इस देश में जो उसके खिलाफ खड़ा हो एक है, अपने अंतर्द्वंद्वों अपनी पार्टी के अंतर्द्वंद्वों के साथ साथ वो एक ऐसा शख्स है जो राजेंद्र चौधरी जी भी कई सारे सवाल कर चुके हैं सरकार की ओर से, या सरकार की पार्टी हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज हमारे साथ में हनी पाठक जी हैं। हनी जी, आपने सुना अभी थपलियाल साहब ने भी बड़ी बातें कही, आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी पर, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने बीजेपी पर तो कोई आरोप विशेष नहीं लगाया, उन्होंने हरीश रावत जी की सिर्फ तारीफें करी हैं और ये कहा है कि मुझे गर्व महसूस होता है हरीश रावत जी पर और मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ इस समय थपलियाल जी की बातों पर, कि हरीश रावत जी के खुद की पार्टी के लोग उनका समर्थन करने भले ही इकबालपुर में पहुंच रहे हो या ना पहुंच रहे हो, लेकिन यूकेडी के लोग जरूर बैक फुट पे उनका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। राजेंद्र जी गौरवंतित नहीं, नहीं आपने सिर्फ पूरे भाषण में अपने हरीश रावत ये हरीश रावत वो कहा, किसान की बात सिर्फ तीन बार आई है, किसान किसान किसान। मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ थपलियाल जी, और आप रिवर्स करके डिबेट सुनिएगा, आपने सिर्फ तीन बार किसान शब्द बोला है, उसके बाद आपने बोला ठीक है उसके बाद आपने सिर्फ हरीश रावत जी की तारीफ करी है, तो काफी। राजेंद्र चौधरी जी, आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपकी पार्टी के लोग भले ही हरीश रावत जी के साथ हो ना हो, लेकिन यूकेडी के प्रवक्ता आपके साथ है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ,
राजेंद्र चौधरी जी का जरा फ्रेम मुझे दिखाएं क्योंकि साफ नहीं है, मुझे उनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। किसानों को क्रय केंद्र से लेकर चीनी मिल तक गन्ना लाने में कितने रुपए क्विंटल देना पड़ता था राजेंद्र चौधरी जी, उनका फ्रेम मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। गरिमा जी पूरा फ्रेम दिखाए जरा, रेट बताओ रेट। राजेंद्र चौधरी जी आप मुझे बताए किसान 9 साल में, अरे आप बताइए आप दोनों आपस में डिबेट अगर करने से आगे बढ़ेंगे मुझे आपस में डिबेट, आपस में डिबेट थोड़ी ना करनी है, यहाँ पर आप जनता के सवालों का जवाब दीजिए ना। क्रय केंद्र में, क्रय केंद्र से चीनी मिल तक गन्ना लाने में 11 रुपए प्रति क्विंटल किराया देना पड़ता था, लेकिन अब उनको इसी चीज के लिए 9.50 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये हमारी राज्य सरकार ने किया है तो 9.50 किया गया, 11 रुपए प्रति क्विंटल के से 9.50 हुआ, तो आप सोचिए किराया देना 1.5 रुपए कम किया गया है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, अभी मैंने इनको पूरी बात बताई थी कि इतने रुपए क्विंटल बढ़ाया गया, लेकिन इन्होंने शायद सुना नहीं था, ये मेरी आवाज इनको नहीं मिल पाई थी, तो अब मैं इनको बताती हूँ कि अगेती गन्ने का मूल 355 रुपए और सामान्य गन्ने का मूल 345 रुपए प्रति क्विंटल किया जा रहा है, ये शायद आपको पता नहीं होगा, तो राजेंद्र चौधरी जी मैं आपको बता दे रही हूँ। और सीएम धामी ने गन्ना मूल्य 28 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा करी है और वो घोषणा पटल पर नजर भी आई है, 28 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा करी है और वो घोषणा नजर आ भी रही है। नमन आप मुझे करेंगे ही, और मैं काफी गौरवंती हूँ, और मैं गौरवंती हूँ कि राजेंद्र चौधरी जी प्रदेश महामंत्री, मुझे वहां गरिमा जी, गरिमा जी शब्द कुछ है नहीं, गरिमा जी इंटरप्ट करिए इन्हें, गरिमा जी इंटरप्ट करिए इन्हें, ठीक है प्लीज एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए ना राजेंद्र जी, उनको बोलने दीजिए, आप बीच में बोलने लग जाते हैं जब वो बोलती हैं, इंटरप्ट करिए इन्हें, इंटरप्ट करिए इन्हें, बीच में बोले ना और शब्दों का इस्तेमाल ठीक करे। लगता है मुझे कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं को शब्दों का चयन करने की बहुत ज्यादा परेशानी है। आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए ना, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, शब्दों का चयन करने में काफी परेशानी होती है कांग्रेस के सभी। मैंने आपको अभी बताया कि आप अभी मुझे पागल कह रहे थे, मैं आपको अभी फ्रेम में कह दूं कि आप पागल हैं, आपको सुनाई नहीं दिया। प्लीज 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 हनी जी और राजेंद्र जी प्लीज इस तरह की बातें मत करिए एक दूसरे पर, मैंने पहले भी कहा व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। राजेंद्र जी हनी जी मैंने नहीं सुना, अदरवाइज मैं उनको तुरंत रोकती, मैंने नहीं सुना, मैं अभी भी कह रही हूँ कि एक दूसरे पर कोई भी टिप्पणी मत करिए, एक दूसरे पर कोई भी टिप्पणी मत कीजिए, मेरे डिबेट में जो भी मेहमान है सब सम्माननीय है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल मैं उनको रोक रही हूँ, मैं अगर सुनूंगी तो मैं तुरंत रोकूंगी, वो कोई भी मेहमान हो, वो कोई भी मेहमान हो, मैं उनको रोक रही हूँ हनी जी, मैं उनको रोक रही हूँ हनी जी, मैं उनको भी रोक रही हूँ, अगर उन्होंने बोला है तो मैं उनको रोक रही हूँ। इस तरह की व्यक्तिगत बातें आप लोग आपस में मत करिए, पहली बात तो आपस में डिबेट मत करिए प्लीज। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी प्लीज, राजेंद्र जी प्लीज बीच में इंटरप्ट करना बंद कीजिए, हनी जी आप भी, हनी जी राजेंद्र जी प्लीज प्लीज इंटरप्ट मत करिए, समय सिर्फ बेकार जाता है और कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ समय बर्बाद होता है, मेहमान जुड़े हुए हैं, बाकी लोगों की भी राय लेनी है, आप लोगों को आपस में डिबेट मत करिए प्लीज। हनी जी जल्दी से अपनी बात पूरी करिए और कोई किसी पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है हनी जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। मैंने आपको प्रति क्विंटल का रेट बता दिया, जो किराया कम किया गया वो बता दिया, जब हमारी धामी सरकार आई है तब से भाजपा की सरकार जब से रही है, जो जो रेट हम लोगों ने बढ़ोतरी की है, जो जो रेट जिस जगह घड़ाए किसानों को, जिस जगह से आमदनी, लेकिन अब तक जिन किसानों का भुगतान, हनी जी अब तक जिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ आखिर उनका क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही बात तो कांग्रेस पार्टी के हरदा कह रहे हैं ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी आधार के कोई धरने पर बैठ गया, बिना किसी आधार के हरदा धरने पर बैठ गए, हरदा को इतनी समझ नहीं बची, आपको लग रहा है कि हरदा बिना किसी आधार के धरने पर किसानों के लिए बैठ जाएंगे? सितारगंज चीनी मिल किसने शुरू कराई इतने सालों से बंद थी, वो किस हरदा के धरने के मुद्दे क्या है, हरदा के धरने के मुद्दे क्या, धरने के मुद्दे मुझे कुछ खुद नहीं पता, वो पूरी टोटल, तो फिर आपको अब ये नहीं पता कि आपके विपक्षी किन मुद्दों पर धरने पर बैठे, तो आप किन सवालों का जवाब देंगी? टंकी के मुद्दे हम लोगों को नहीं पता होते हैं, टोटल नौटंकी के मुद्दे सत्ता पार्टी को नहीं पता होते, जिसमें उनके खुद के लोग नहीं बैठे हैं, वो मुद्दे हम लोगों को नहीं पता होते हैं। और मैंने आपको अभी हम लोगों के धामी सरकार से लेकर भाजपा सरकार में जो जो काम हुए हैं, गन्ना किसानों के हित से लेकर चीनी मिल शुरू कराने से लेकर उनकी आमदनी बढ़ाने से लेकर, सभी डाटा आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिए हैं। ठीक है विपक्षियों का धरना आपको नौटंकी लगने लगता है, विपक्षियों के धरने की बातें क्या है, वो क्या कह रहे हैं, किसानों के हित के लिए क्या बता रहे हैं, इस पर कह रही है कि आपको जानना भी नहीं है और ना आपको पता है, लेकिन डिबेट आप इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ कर रही हैं।
जी मैंने आपको पूरी बातें बता दी है, मैंने आपको पूरी बातें कही, लेकिन मैंने वही कहा ना कि अगर हरदा धरने पर बैठे हैं तो किसानों के मुद्दे किसानों की बात ही लेकर तो बैठे बात ना करें। मैं ऐसे व्यक्तित्व से बात करना नहीं चाहती जिसको पागल कहने में थोड़ी भी हिचकिचाहट ना हो। प्लीज अभी अभी उस बात को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। मैंने नहीं सुना, प्लीज प्लीज अभी अभी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके जरिए मुझसे सवाल करें। हाँ आपस में डिबेट यहाँ कोई नहीं कर रहा है, आपस में डिबेट करने के लिए मत बैठे। मैं सवाल करूंगी उसका जवाब दीजिए। गरिमा मुझे जो है वो धरना समाप्त होने जा रहा है, मुझे वहाँ जाना। हाँ समापन में जाना है। हाँ प्लीज जल्दी से बोले राजेंद्र जी, और प्लीज कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचिए कम से कम। आप लोग वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं तभी तो कर रहे हैं, क्योंकि बदबुद्धि ऐसी हो गई है वरिष्ठ होके। एक मिनट सुन दो, सॉरी बोलिए डिबेट। राजेंद्र जी जल्दी से, अगर आप जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से सॉरी बोलिए मुझसे डिबेट में। आपने यहाँ महिला का सम्मान नहीं किया है और आपने महिला को पागल कह के इंगित किया। सॉरी बोलिए मुझसे डिबेट में, वरना मैं धज्जियां उड़ा दूंगी इस डिबेट की। याद रखिएगा मैं पूरे चैनल्स में चलाऊंगी के न्यूज के की कांग्रेस के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी भाजपा की प्रवक्ता हनी पाठक को पागल कहते हुए दिखाई दिए, जैसे मैंने एक बार और आपके प्रवक्ता को मैंने कहा पहले था। भी कहा है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से आप सबको बचना चाहिए, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, राजनीतिक पार्टी के आप लोग प्रवक्ता हैं, कम से कम राजनीतिक बात करिए, व्यक्तिगत कोई भी टिप्पणी करने से बचिए। आप सभी लोग सम्माननीय है, आप सभी लोग सम्माननीय है। हनी जी आप भी और आप भी, आप बार बार उसी बात पर आकर रुक रही है, मेरी डिबेट का समय से बर्बाद हो रहा है। डिबेट में सॉरी बोले मुझसे डिबेट में बोल दिया, अगर आपको सुनाई नहीं दिया मेरी नहीं सुनाई दिया मुझे, नहीं सुनाई दिया मुझे। गरिमा जी आप मुझसे इनसे बातें मंगवा। राजेंद्र जी आगे बढ़े और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, क्या हम सिर्फ इस बात पर आज चर्चा करेंगे? गरिमा जी मेरा तो बहुत छोटा सा सवाल है कि पिछले 9 साल में गन्ने का मूल्य कितने रुपए था और आज कितना है, बहुत छोटा सा सवाल। दूसरी चीज ये है कि ये जो गन्ना किसानों का बकाया चला रहा है 2017-18-19-20 ये बकाया जो है क्यों चला रहा है, इसमें किसकी गलती रही, किस वजह से ये भुगतान नहीं हो? वो कह रही है कोई बकाया नहीं, हम तो भुगतान करते हैं। तीसरा एक सवाल और है मेरा। हाँ। कि अभी मार्च के महीने में जो कैबिनेट हुई थी उसमें कौन सी शुगर मिल को बेचने का प्रस्ताव राज्य की कैबिनेट ने किया था? ठीक है आपने सवाल कर दिया, अभी वो बहुत सारी बातें कह चुकी है, मैं उनके पास नहीं जाऊंगी और मेहमान है उनको जोड़ेंगे क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास में। अरुण शर्मा जी आप देख रहे हैं, खैर ये कुछ नया नहीं है, राजनीतिक पार्टियां हैं, आज कभी वो कुछ कहते हैं कभी वो कुछ कहते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। लेकिन बात वही है ना कि हम अगर विपक्षियों की बात को इस तरह से कह देंगे, जैसे हनी जी मुझे आपकी सारी बातें ठीक लगी, आप अपने आंकड़े दीजिए, आप सफाई दीजिए, विपक्षी कुछ भी कहें। हनी जी पहले तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कभी भी डिसिप्लिन के बाहर नहीं जाता है गरिमा जी। मैडम मैं रोज डिबेट करती हूँ और मेरे साथ रोज कोई ना कोई प्रवक्ता आता है, कभी आपकी हनी पाठक तो खास करती नहीं जाती है। मैंने कहा ना मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रही, मैं हनी पाठक को बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जानती हूँ, इसलिए मैं उनको बीजेपी से ही उनसे सवाल कर रही हूँ, बीजेपी से जुड़े। खैर ये बात अभी हटाते हैं, आप यही बताइए ना, अरुण जी के पास हम चलते हैं। अरुण जी अभी आपने देखा, बात यह है कि अगर इस तरह से सरकार और विपक्षी सरकार विपक्षियों के किसी भी कदम को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स कहती रहेगी तो ऐसे में कब मौका आएगा जब जनता के हित की बातों को सुना जाएगा, जनहित की बातों को सुना जाएगा? क्योंकि ये तो आरोप प्रत्यारोप है, ये चलता रहता है, ये हमेशा चलेगा, हर पार्टी के बीच चलेगा, लेकिन लोगों के हित की बात कब सुनेंगे आप? अरुण जी गरिमा जी अगर हरीश रावत किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिशियन है और एक पॉलिटिकल पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता है, तो अगर वो जनता के हित की आवाज उठाते हैं तो वो कोई अलग सा काम नहीं करते, वो उनका काम है। ठीक है, वो मुद्दों को उठाना उनका काम है और उन मुद्दों को सुलझाना सरकार का काम है, आप उनको नकार नहीं सकते। बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ ना, हनी जी ने जब ये बात कही ना मुझे वो बात लगी कि कौन सा बकाया है, कौन सा अगर कोई व्यक्ति धरने पर बैठा है तो ऐसे ही नहीं बैठा। आप उन बातों को लेकर अपनी सफाई दे सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है या ये कमियां हैं या ये बात है। आप ये कह दें कि विपक्षी नौटंकी कर रहे हैं तो विपक्ष में बहुत जगह पर आप भी हैं, विपक्षी नौटंकी नहीं करते, विपक्षी किसी बात को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी चीज जो मैं उस टाइम बात कह रहा था, आजकल हरीश रावत कुछ ज्यादा परेशान है, अगर आपने उनके हाल के बयान देखे हों
तो वो क्योंकि वहां पर जिस हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में आने से रोकने के लिए हरीश रावत ने 6 दिन दरवाजे के कांग्रेस के दरवाजे के बाहर खड़े रखा, अंदर नहीं आने दिया। 6 दिन बाद बहुत साधारण लोगों की उपस्थिति में उनको ज्वाइन कराया गया कांग्रेस में, वो भी एक छोटे से कमरे में वॉर रूम के। तो उस हरक सिंह रावत का लोकसभा चुनाव में कूदना और दूसरी तरफ हरीश रावत का ये कहना कि 16 के गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा, तो इन सब चीजों से उनकी छटपटाहट, उनकी बेचैनी भी समझ आती है। ठीक है, हमको पता लगता है कि हरीश रावत चुनाव लड़ने के लिए कितने उतावले हैं और उनके सामने अगर कोई बाधा आ रही है तो चाहे वो बाधा उनकी पार्टी से ही आ रही हो, उसको किनारे करने के लिए वो कोई भी हथकंडा अपनाने के लिए तैयार है। जी गरिमा, ठीक है, यानी पूरी तरह से आपने देखिए यही कहा है कि किसानों के हित की बात सुनी जाए। संगीता जी भी हमारे साथ में जुड़ी हुई काफी देर से, संगीता जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं चलते चलते। संगीता जी, आपने सुना अभी सरकार कह रही है कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमने भुगतान भी करा दिया, जबकि राजेंद्र जी अपनी बात पर अड़े हुए जब से हमने डिबेट शुरू किया था कि पहले मूल्य क्या था और अभी मूल्य क्या है। संगीता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें। गरिमा जी देखिए, हमने इस मुद्दे पर एक बार पहले भी डिबेट की थी और किसान गन्ना किसान जो है उन्होंने संगीता जी की आवाज आंदोलन भी किया था अभी पिछले महीने की बात है, उन्होंने आंदोलन किया और उग्र आंदोलन करेंगे अगर जो गन्ने का समर्थन मूल्य है वो नहीं बढ़ाया गया और जो बकाया है वो वापस नहीं दिया गया। तो देखिए, अगर उनको बकाया वापस मिल जाता तो वो उग्र आंदोलन की चेतावनी नहीं देते और गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा है इसीलिए वो बार बार चेताने का काम कर रहे हैं। तो ये कहा जाए कि हमने बढ़ा दिया तो भाई वो आंदोलन क्यों करेंगे, जैसे अभी शर्मा भाई साहब ने भी कहा। तो बार बार सरकार ये कहे कि हमने कर दिया, तो ये तो बहुत सारी चीजों को कहते हैं कि हमने कर दिया, लेकिन धरातल पर कितना हुआ है ये तो सारी जनता जानती है। किसानों की आय दुगनी का वादा भी इसी सरकार ने किया था, लेकिन पूरे देश में कितने किसानों की आय दुगनी हुई है गरिमा जी, आप भी ठीक है, यानी वादे तो हुए हैं। आप भी यही कहना चाहती हैं कि वादे बहुत हुए हैं लेकिन धरातल पर उतनी चीजें नजर नहीं आई हैं। चलते चलते एक प्रतिक्रिया हम थपलियाल साहब की लेंगे। थपलियाल साहब, अभी हनी जी काफी नाराज भी हो गई आज, वैसे मैं भी पूछना चाहूंगी कि आज यूकेडी कांग्रेस के समर्थन में कुछ ज्यादा नजर आई है, आज हरदा के इस एक्शन को आप पसंद कर रहे हैं या कांग्रेस के साथ नजर आ रहे हैं? गरिमा जी मैंने नाराजगी नहीं दिखाई है, मैंने नाराजगी नहीं दिखाई, आपने नहीं दिखाई है। मैं थपलियाल जी के वरिष्ठ हैं मेरे और मैं उनसे नाराजगी नहीं, लेकिन आपको आपको अचंभा हुआ था ना कि यूकेडी कांग्रेस के समर्थन में। ठीक है थपलियाल साहब जल्दी, लेकिन थपलियाल जी मेरे वरिष्ठ हैं, मैं उनसे नाराजगी नहीं दिखाती। आज की राजनीति में नए भारत का निर्माण हो रहा है और नए भारत के निर्माण में जो भारत दो भागों में बढ़ता जा रहा है वो हमें चिंतनीय लगता है। इसलिए जो आवाज उठाने वाला व्यक्तित्व तो कोई भी हो, इस समय राक्षस भी अगर हमारी आवाज उठा रहा है तो हम उसके पांव धोने के लिए तैयार हैं। ये स्थिति हमारी आ चुकी है क्योंकि हमें पूरी तौर से दीवार में लगा दिया गया है पूरे विपक्ष को, चाहे आप दिल्ली के विपक्ष को देख लिए, जो मुख्य उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर पड़ा हुआ है, पता ही नहीं क्यों पड़ा हुआ है, पता ही नहीं। तो इस तरह की स्थिति अब जब देश में आ रही है तो चिंतनीय विषय है, लोकतंत्र को बचाने का विषय है। इसलिए एक साथ नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका थपलियाल साहब। हनी जी, अभी आप एक बात को लेकर अड़ गई थी, आप मेरे डिबेट के मेहमान हैं, अगर आपको किसी ने कोई अपशब्द कहा तो मैं एक एंकर होने के नाते आपसे माफी मांगती हूँ और यही आप सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचिए। रोशनी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सारे फ्यूज बल्ब एक होकर सूरज को रोशनी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, सारे फ्यूज बल्ब एक होकर सूरज को रोशनी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे डिबेट में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे थे कि आखिर किसानों के हित के लिए काम कौन कर रहा है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी की प्रवक्ता को हरीश रावत का ये धरना नौटंकी लगता है, उनको लगता है कि वो टाइमिंग देख कर सामने आते हैं और कब उन्हें खबरों में रहना है ये बखूबी जानते हैं, लेकिन क्या वाकई हरदा किसानों के हित के लिए धरने पर बैठे हुए हैं? क्या किसानों के साथ वाकई जो बातें हुई थी, जो वादे हुए थे, वो सरकार ने अब तक पूरे नहीं किए? बड़ा सवाल है। और फिलहाल दंगल में आज उतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।